वेरी गुड मॉर्निंग डियर मॉडर्न स्टार्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग योर स्टडीज एट होम. स्टूडेंट्स, टेक आउट योर साइंस बुक, ओपन चैप्टर 4, प्लांट्स रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन. ओके, बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, वी शुड नो अबाउट वॉट इज रिप्रोडक्शन एंड वॉट इज पॉलिनेशन. वी नो वेरी वेल अबाउट प्लांट्स, नाउ वी आर गोइंग टू नो these two new terms. What is pollination and what is reproduction? Reproduction, आप सभी को पता है कि plants और animals जो होते हैं वो new kind of species को produce करते हैं, और उस species को produce करने में जो new member आता है उसको हम बोलते हैं reproduction. वो जिस process की वजह से आता है उस process को हम बोलते हैं reproduction. So, here we can read this. ये लिखा भी है यहाँ पर आपकी book में. We already know that both plants and animals produce their kind. The process through which living things produce new members of these their own species is called reproduction. Plant reproduction are of two types. First is asexual and second is sexual. Asexual reproduction, when plant grow through leaves, stems and रूट्स, दे आर नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मीन्स जब उनके पेरेंट जो होते हैं वो कौन होता है, उनकी स्टेम होती है, लीव होती हैं या रूट्स होती हैं, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो सीड से प्रोड्यूस होते हैं. सीड्स आपने देखा होगा, फ्लावर में जो सीड्स होती हैं जब वो झड़ के गिरती हैं तो उनकी वजह से न्यू प्लांट्स उगते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती हैं. हेयर इज एन लाइफ साइकिल ऑफ स्टेजेस ऑफ प्लांट्स. ये आपकी लाइफ स्टेज प्लांट की हैं. फर्स्ट स्टेज में जो है वो क्या है, देखिए, वंस द फ्लावर ब्लूम दियर पेटल्स ड्राई एंड फॉल्स ऑफ. पहले क्या होता है कि उनकी पेटल्स से जो हैं वो ड्राई होकर के नीचे गिरती हैं और उनसे जो है न्यू वो बनता है, न्यू स्मॉल फ्रूट्स बनते हैं. मींस स्मॉल टाइप से छोटे छोटे वो बन के प्लांट्स, बेबी प्लांट्स आते हैं बाहर. नेक्स्ट उसके बाद में फ्रूट्स ग्रो अ बिग साइज, फ्रूट्स जो हैं बड़ी साइज़ के बन जाते हैं और फिर क्या करते हैं वो बहुत ही सारे फ्रूट्स और सीड्स को देते हैं. नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस में वही सीड्स जो हैं हम फिर से उगा देते हैं और वो फिर एक नए ट्री या प्लांट का वो ले लेती हैं, फॉर्मेशन कर देती हैं. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर की. तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में मेनली जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके स्पेल्स, पेटल्स, स्टेम एंड पिस्टल. ये आपके कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इनके वर्क और फंक्शंस क्या होते हैं इनको भी आप देखेंगे. दीज पार्ट्स आर क्राउडेड टुगेदर ऑन द स्टेम टिप कॉल्ड रेस्टिपेकल्स, रेस्पेक्टल्स. द फ्लावर पार्ट आर यूजुअली अरेंज्ड इन द हॉर्न्स, मीन्स सर्कल शेप में होता है, लाइक दिस, ठीक है. एंड दे आर कॉमनली फोर डिस्टिंक्ट हॉल्स इन पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है. इसमें फोर हॉल्स होते हैं, मींस जो ये पूरा का पूरा पार्ट होता है ये कैसे डिवाइडेड होता है, ये एक सर्कल शेप में, एज यू कैन सी, ये थियर फिगर 2 में आप देख सकते हैं, ये सर्कल शेप में होता है और ये सारा जो भी होता है ये फोर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. जिसका पहला पार्ट आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का होता है ये आपका कहलाता है स्पेल्स, ठीक है. नेक्स्ट ये जो इसके अंदर आप रेड कलर में ही सेम ऐसे ही लंबे लंबे से देख रहे हैं इसको कहते हैं पिस्टल. नेक्स्ट इसके बाद में है आपका ये जो थोड़ा सा लीव शेप में आ रहा है इसको कहते हैं स्टामेन. इसके बाद में जो अंदर का बड़ा सा पार्ट होता है ये सबसे मेन पार्ट होता है और इसको कहते हैं हम पिस्टल, ठीक है. तो ये हो गई आपकी अरेंजमेंट ऑफ हॉल्स की अरेंजमेंट. और आइए देखते हैं कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर किस टाइप से, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स क्या होते हैं, ठीक है. फिगर 1 देखते हैं, आप फिगर 1 को समझने की कोशिश भी करेंगे. ये है आपका
पार्ट ऑफ फ्लावर जिसको आप दिख रहा होगा, आई होप अब आपको सही से दिख रहा होगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका आपका होता है, ये होता है रेस्पेक्टल्स। ये जो आपकी कली खिलती है, आपने कभी अगर फ्लावर को देखा होगा तो उसमें जो नीचे ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, मींस जो पेड़ से ही, पेड़ के ही साथ में इंटरकनेक्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं रेस्पेक्टल्स। नेक्स्ट इसके बाद में आपका आता है स्पेक्टल। ये पार्ट जो खिल करके खुल जाता है उसको हम बोलते हैं स्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट स्पल्स जो पार्ट आपका होता है वो कली को खोलने का काम करता है, मींस जो फ्लावर है वो वहीं से ओपन होता है। नेक्स्ट इसके बाद में आती हैं पेटल्स। पेटल्स आप सभी को पता है, ये पूरी जो फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं कह सकते हैं, उनको हम बोलते हैं पेटल्स। नेक्स्ट है आपका स्टेमन। तो स्टेमन आपने देखा होगा ज़्यादा करके ये हिबिस्कस में मिलता है, गुड़हल के पौधों में ये ज़्यादा पाया जाता है और होता वैसे सब में पर दिखता कम है। तो ये जो आपका है, ये जिसमें आपके कुछ लंबी लंबी सी जो होती हैं उनको जो कहते हैं, ये आपकी कहलाती हैं स्टामेन। और स्टामेन जो आपका है ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का। नेक्स्ट आपका है पिस्टल। पिस्टल जो है ये आपका फीमेल पार्ट है, ग्रीन कलर का, उसी में थोड़ा सा लॉन्ग सा होता है। तो ये तो हो गई बात आपके पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की। आइए देखते हैं कि इनके पार्ट्स का वर्क और ये कैसे, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्पेक्टल्स जो होता है वो ग्रीन लीफी सर्कल शेप फ्लावर का होता है, उसे हम स्पेक्टल्स कहते हैं। पेस्टल्स की अगर हम बात करें तो पेस्टल्स जो है वो क्या करता है, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है। हाँ ऑब्वियसली ये बहुत ही अट्रैक्टिव, पेटल्स जो होता है ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, आप सभी को पता है। और इट कैन बी ऑफ मैनी कलर्स, ये किसी भी कलर का हो सकता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, किसी भी कलर के हो सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टामेन की। तो स्टामेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो है ये आपका मेन मेल फ्लावर का मेल पार्ट होता है, मींस इसके और पिस्टल्स की ही वजह से जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट होता है, ठीक है। जब ये ड्राई होकर के दोनों गिरते हैं, ड्राई होकर के जब गिर फ्लावर से झड़ के गिर जाते हैं तो उनकी वजह से जो इनके बीच में एक जर्मिनेशन होता है और उस जर्मिनेशन की वजह से न्यू प्लांट जो है वो उगता है। तो ये तो रही बात आपके पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की। अब हम बात करते हैं आज का वर्क क्या है आपका। तो आज का आपका वर्क है, आप अपनी कॉपी में ये फिगर 1 और फिगर 2 दोनों आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिगर 1 और फिगर 2 आपको ड्रॉ करके इसको कलर करना है, ब्यूटीफुली ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।